नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा RRB क्लर्क 2022-2023 से रिलेटेड है। प्री का रिजल्ट, क्या रहा मेरा परिणाम, क्या थे मेरे अटेम्प्ट्स और नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क देखने को मिला, तो इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी आपके साथ साथ एग्ज़ाम देता हूं और मुझसे मेरे सभी सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि सर आपका क्या रिजल्ट रहा, आपने एग्ज़ाम दिया था या नहीं। तो जैसा कि आप सभी लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, तो मैंने सोचा आज मैं अपना परिणाम भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ, मैं भी आपके साथ ही आप ही की तरह एग्ज़ाम देता हूं, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अटेम्प्ट्स के बारे में भी, क्या मेरा रिजल्ट रहा, कितने मेरे मार्क्स आए और नॉर्मलाइजेशन का क्या फ़र्क देखने को मिला, और उसके साथ ही आपका क्या रिजल्ट रहा है वो भी आप मेरे से साझा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अगर आप कोई सजेशंस लेना चाहें वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, और आप देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, मैं सभी सजेशंस के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ और फिर पहले मैं आपको अटेम्प्ट्स भी बताऊँगा। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, हम लोग एक एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट एक बात करेंगे। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, 13/8/22 को जो कि एग्ज़ाम हुआ था ये मैंने एग्ज़ाम दिया था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अटेम्प्ट्स की। तो मेरे अटेम्प्ट्स 80 में 80 थे, 80 में 80 ही अटेम्प्ट मैंने किए थे। 40 रीजनिंग और 40 मैथ्स दोनों ही में 40-40 किए थे। मेरा एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी हो गया था कंप्लीट, मतलब 3-2.5 मिनट के अप्रॉक्स पहले ही मेरा पेपर हो गया था, 3 मिनट पहले ही हो गया था, 42 मिनट्स में कंप्लीट लगभग हो गया था। तो 40-40 अटेम्प्ट्स थे। तो सबसे पहली बात, नॉर्मलाइजेशन का मुझे तो कोई फ़र्क देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जब 40-40 अटेम्प्ट्स हैं तो कुछ अगर गलत भी होता है तो माइनस मार्किंग भी होगी। और इंक्रीज़ तो नॉर्मलाइजेशन में तब होता है जब आपके, जैसे आपने 38 किए हैं या 39 किए हैं और आपके सारे अटेम्प्ट्स सही हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क देखने को मिल सकता है। पर जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 40-40 ही अटेम्प्ट्स दोनों में करे हैं, मैथ्स रीजनिंग में, तो नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क मुझे तो देखने को नहीं मिला। आपको देखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं या क्या समस्या आपको आ रही है उसको भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो सीधा मैं आपको रिजल्ट पे लेके चलता हूँ कि कितने मार्क्स किस सेक्शन में मुझे मिले हैं। तो ये देखते हैं हम, ये है मेरा रिजल्ट। तो रीजनिंग में मेरे 40 में 40 मार्क्स आए हैं, पूरे मार्क्स मिले हैं, पर क्वांट में एक क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया है। अटेम्प्ट्स मेरे 40 पूरे थे और जैसा मैंने बताया टाइम से थोड़ा पहले ही पेपर तो हो गया था, पर एक क्वेश्चन गलत हुआ है, जो कि काफ़ी वैसे गलत बात है, क्योंकि क्वांट में गलत नहीं होना चाहिए था, पर पता नहीं कुछ एरर मिस्टेक हो गई होगी या फिर कोई कंसेप्ट में गलती रही होगी। तो एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, उसका एक नंबर कटा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हुई है, इसीलिए 38.75 मेरा स्कोर न्यूमेरिकल एबिलिटी में रहा है। तो इसका सम होकर ये 78.75 हो गया है और कट ऑफ हमारी 70.25 रही है जनरल कैटेगरी से ही, तो क्वालिफाई तो हो गया है। आपका भी क्या स्कोर कार्ड रहा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन का आपको क्या फ़र्क देखने को मिला है वो भी आप साझा कर सकते हैं, जिनका नहीं भी हुआ है वो भी बिल्कुल चिंता ना करें,
हमारी यही कामना रहती है कि हमारे सभी सब्सक्राइबर का चयन बैंक में हो जाए और उनका बैंक में कार्य करने का सपना साकार हो। ये मुझसे काफ़ी सब्सक्राइबर पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने आपके साथ ये साझा किया है और मैं आपको अपने परिवार की तरह समझता हूँ, इसीलिए मैंने आपके साथ ये स्कोर कार्ड शेयर किया है। कुछ लोगों के लिए ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन का भी कार्य करेगा कि मार्क्स आते हैं और क्वालिफाई आराम से किया जा सकता है। कोई आप टिप्स भी लेना चाहेंगे तो उनके लिए भी मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। आप भी कुछ अपने सजेशंस देना चाहें तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी अच्छी ही चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नॉर्मलाइजेशन का आपको क्या फ़र्क देखने को मिला है वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे सिर्फ आपके साथ आपके कहने पर स्कोर कार्ड थोड़ा सा शेयर आपके साथ करना था कि इस बार मेरा भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है और मैं भी आप ही की तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ जो कि एग्ज़ाम दे रहा हूँ। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।